बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं घर पे गरम मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये लिए हैं। ज़ीरा है 4 टेबलस्पून, ये तकरीबन 40 ग्राम बनता है। धनिया भी मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं और ये वज़न में थोड़ा कम 30 ग्राम इनका बनता है। दार चीनी के मैंने टुकड़े लिए हैं 3। काली मिर्च ली है मैंने, जो कि 2 टेबलस्पून है काली मिर्च। जायफल के 2 टुकड़े हैं ये, और बादियान के फूल हैं 3 अदद। जावित्री है, ये भी 3 टुकड़े बनती हैं। और तेज़पात हैं, जो भी मैंने 3 अदद लिए हैं। लौंग है 1 टेबलस्पून, लौंग 1 टेबलस्पून है, और बड़ी इलायची भी तकरीबन 1 टेबलस्पून है। तो लौंग और इलायची मिलके कोई 9 ग्राम बनते हैं। तेज़पात भी बेशक मिला लें तो इसके वो 9 ग्राम बनते हैं, अगर इकट्ठा इनका वज़न करें तो। छोटी इलायची है 6-7 अदद है ये। ये मैंने ली है, हम ऐसे करेंगे कि ये जो सारा मसाला है हम इसको रोस्ट करेंगे। हल्की आंच पे हम रोस्ट करेंगे। दालचीनी को ज़रा तोड़ के छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। इसी तरह तेज़पात जो हैं उनको भी तोड़ के वो कर लेंगे। इसको हल्की आंच पे हमने करना है, रोस्ट करना है, तेज़ आंच नहीं रखनी ताकि ये जल ना जाए। जब ये मसाला हमें खुशबू देने लगे तो फिर हम इसको ठंडा करके तो ग्राइंड करेंगे। तो इसको बिल्कुल हल्की आंच पे करना है ताकि ये बिल्कुल जल ना जाए। तेज़ आंच होगी तो ये जल जाएगा। तो हल्की आंच पे कुछ 6 मिनट तक हम इसको ना आज हल्की आंच पे करेंगे। मसाला हमारा रोस्ट हो गया है, इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे किया है। मकसद ये है कि इसका जो सिला सा होता है मसाला वो ज़रा खुश्क हो जाए और बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके तो फिर इसको ग्राइंड करते हैं। मसाला हमारा ठंडा हो गया है, अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। मसाला हमारा पिस गया है,
बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए रंग भी बहुत ही प्यारा आया है, तो इसी तरह घर में तैयार करके रख लेना चाहिए। तो अगर ये मेरा पसंद आया हो आप लोगों को तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।